तो राजस्थान में पायलट और गहलोत तनाजे से जुड़ी बड़ी खबर। तनाजा सुलझाने के लिए दिल्ली में आज अहम मीटिंग होने वाली है। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सचिन पायलट इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, तो वहीं राजस्थान इंचार्ज और रियासती सदर भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता चले, राजस्थान में एक बार फिर से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो रस्साकशी जारी है उसको सुलझाने की कोशिश दिल्ली में होती हुई नजर आएगी। तो पायलट गहलोत तनाजे से जुड़ी बड़ी खबर। तनाजा सुलझाने के लिए दिल्ली में आज अहम मीटिंग होने वाली है। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सचिन पायलट इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे और इस मीटिंग के जरिए से राजस्थान की सियासत को लेकर बातचीत होगी। तो वहीं जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर तनातनी देखने को मिलती है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो ऐसे में देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ बातचीत होती है। हालांकि इससे पहले अभी हाल ही में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और वो एहतजाज पर उतर आए थे। हालांकि पार्टी ने कहा कि सब कुछ ठीक है और इसको लेकर बातचीत की जाएगी अशोक गहलोत से। और अब देखना ये होगा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को ही दिल्ली बुलाया गया है, दोनों ही दिल्ली में आज मौजूद रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में दोनों ही नेताओं से बातचीत होगी कि कैसे किस तरह से राजस्थान को लेकर बातचीत करनी है, क्योंकि चुनावों को लेकर भी सरगर्मियां शुरू हो चुकी है। राजस्थान इंचार्ज रियासती सदर भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। बड़ी खबर राजस्थान से आपको बताते हैं, जहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो तनाजा है उसको दूर करने की कोशिश एक बार दिल्ली में होती हुई नजर आएगी। हालांकि कहा जाता है कई बार ऐसे मौकों पर कि सब कुछ ठीक है, एक साथ मिलकर काम किया जा रहा है, लेकिन जो दोनों के बीच एक कशीदगी है, एक तनातनी है, वो हर बार देखने को मिलती है।